हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी आईटी, जो कि आपका सेमेस्टर 5 है, जो अभी आपका रनिंग होगा, जिसमें हम आपका कोर्स नेम जो बता रहे हैं, सब्जेक्ट बता रहे हैं, वो क्या रहेगा? लिनक्स रहेगा। लिनक्स का जो कोड है वो आपको दिया हुआ है। मैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है उसके टॉपिक्स जो वो कवर करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियोज़। और देखिए कितने से वहाँ से क्रेडिट है, मतलब कितने मार्क्स का आने का चांसेस है वो चैप्टर से, मैं वो आपको बताता हूँ। थियरीज आपका देखिए 2.5 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का, और 25 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरनल होता है, एंड 50 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं सेमेस्टर 5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू रेड हैट। ठीक है, रेड हैट जो होता है आपका एंटरप्राइज लिनक्स होता है। तो लिनक्स पहले क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। तो लिनक्स जो आपका होता है ना, वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका विंडोज़ है ना, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके पूरे सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट्स करता है, पूरे एप्लीकेशंस को क्या करता है, वो ऑपरेट्स करता है विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर्स। मतलब हार्डवेयर की मदद से जो है कि आपके सॉफ्टवेयर को क्या करता है, मेंटेन्स करता है, प्रोसेस करता है, या फिर ऑपरेट्स करता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिनक्स जो क्या है आपका एक ओपन सोर्स है, रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर हु एज द सोर्स कोड इज द फ्रीली अवेलेबल। मतलब क्या है कि अवेलेबल फॉर एनी व्यूज टू मॉडिफाई एंड द डिस्ट्रीब्यूट द दिस मॉडल प्रमोट द कोलेबरेटिव डेवलपमेंट्स ट्रांसपेरेंसी एंड द कम्युनिटी इन्वॉल्व की प्रिंसिपल इंक्लूडिंग। मतलब कि क्या है, देखिए लिनक्स जो आपका ना ओपन सोर्स है, मतलब कि इसके कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल्स होते हैं, जो कि आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, जो व्यूज़ कर सकते हो, उसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समथिंग कुछ भी है अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो इंक्लूडिंग वो आप चेंजेस कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें जो एक्सेबिलिटी दिया, मतलब यूज़र कैन द एक्सेस ऑफ द सोर्स कोड, मतलब यूजर्स जो है आपका सोर्स कोड एक्सेस कर सकता है, एंड मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई कर सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यूजर्स कैन शेयर द मॉडिफाइड एंड द अनमॉडिफाइड द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ द जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द अपाची वेब सर्वर, कहाँ पे अपाची वेब सर्वर, एंड द फायरफॉक्स द ब्राउजर्स में, मतलब क्या होता है, ये रन होते हैं। नेक्स्ट रेड हैट क्या, आपका जो प्रोमिनेंस है कंपनीज जो इन द ओपन सोर्स द इन इकोसिस्टम बेस्ट नो फॉर द एंटरप्राइज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, रेड हैट द एंटरप्राइज द लिनक्स, क्या है आपका आरईएस, मतलब ये है क्या फाउंडेड इन, मतलब क्या हुआ था, रेड हैट ने ही आपको लिनक्स को क्या किया था, क्रिएट किया था, मतलब कि उसने बनाया था, इसके जो फाउंडर मतलब उसने कब बनाया था, 1993 में जो है कि ये आपको लिनक्स को क्या हो गए थे, मार्केट्स में लाए थे। एंटरप्राइजेस सपोर्ट, मतलब कि जो होता है कि आपका रेड हैट एंटरप्राइजेस जो है कि ये प्रोवाइड्स द कॉमर्शियल सपोर्ट, मतलब ये कॉमर्शियल सपोर्ट्स के लिए होता है, मेकिंग इट द सूटेबल फॉर द बिजनेस, मतलब आपके कॉमर्शियल, मतलब ये जो आपके कंपनीज में यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, लिनक्स यूज़ होते हैं। रिक्वायर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी देता है, मतलब नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हम, मेनी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इन द कॉर्पोरेट लाइन्स में या कॉमर्शियल्स में। एंड द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आपका ये क्या है, ओपन सोर्स है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सपोर्ट्स करते हैं, वेरिएबल्स कम्युनिकेट्स करते हैं, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसा है कि ओपन सोर्स होने का आपको एक बेनिफिट्स है कि मतलब कि आप उसे ईजिली वेरीफाई या फिर समथिंग मॉडिफाई या फिर बोल सकते हैं कि चेंज कुछ भी करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप अभी प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में मतलब कि जब तक आप वो किसी पर्सन को जो आप अपना सोर्स कोड नहीं दोगे तो वो कैसे चेंज कर पाएगा, नहीं चेंज कर पाएगा। लेकिन आप इसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, तो आप भी क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई समथिंग, बहुत चीज़ आप कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, रेड हैट द ऑफर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड द सर्टिफिकेशंस ऑफ आईटी प्रोफेशनल, मतलब कि आपके इसके जो है कोर्सेज भी हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। ओवर हेड रेड द प्लेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रमोशन प्रमोटिंग द यूजर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द इन्वायरमेंट्स, मतलब इक्वेशंस दियर द, मतलब कि ये क्या है कि इसमें बताया है कि आपके जो रेड हैट है, मतलब कि जो आपका लिनक्स है वो बेसिकली क्या है, ओपन सोर्स है, जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल होता है इन द वेब या फिर समथिंग जो भी। ओरिजिन्स ऑफ द लिनक्स, ये क्या हुआ कहा था आपका, जो डेट आया था वो क्या था, 1990s का था। ये ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा। यूनिक्स अभी आ गया, देखो यूनिक्स क्या आपका लिनक्स का ही क्या है, इंस्पायर ऑफ बाय द यूनिक्स, मतलब लिनक्स जो है कि लिनक्स रूट लिनक्स इज द इंस्पायर बाय द यूनिक्स, जो आपका लिनक्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, यूनिक्स से। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन द 1960s इन द अर्ली टू 1970s,
जो कि आपका डेवलप हुआ था 1960 और 1970 में। यूनिक्स वॉज द नोइंग द मल्टीटास्किंग द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि यूनिक्स जो था वो कैसा था, मल्टीटास्किंग था, मल्टीपल था, कैपेबिलिटी था और प्रोबेबिलिटी था। लिनक्स टोर वैलेंस जो 1991 में आया, जो कि फिनिश कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए क्या हुआ था, वो बिगनी डेवलपर में लिनक्स क्या हुआ था उसके यूज़ कर रहे थे, हॉबीज हो गया था। ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ फ्री अल्टरनेटिव ऑफ द मिनिक्स, मतलब उसमें क्या था, आपको पहले बताया कि लिनक्स क्या है, आपका ओपन सोर्स है, जो कि फ्रीली क्या आपके ओपन सोर्स अवेलेबल्स होते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनिशियल रिलेशन, मतलब इनिशियल रिलीज क्या होता है, वह फर्स्ट वर्जन लिनक्स, मतलब कि जो लिनक्स का फर्स्ट वर्जन था वो कभी हुआ था, सेप्टेम्बर 1991 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। पोस्टेड द कोड ऑफ द इंटरनेट, इनवाइटेड द डेवलपर्स टू कंट्रीब्यूट, मतलब कि ये जो पोस्ट थे या फिर इसके जो एप्लीकेशन थे, ठीक है, कोड थे, उन्होंने कब उसको क्या किया था, पब्लिश किया था 1991 में, उसको क्या किया था, कंट्रीब्यूट्स करके उसको डेवलप किया था या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पोस्ट किया था। कम्युनिटी डेवलप, कम्युनिटी डेवलप मतलब द प्रोजेक्ट यू क्विकली अट्रैक्टेड और ग्लोबल, मतलब कैसा है आपका, अट्रैक्टेड और ग्लोबल होता है, जिसमें कम्युनिटीज डेवलपर्स होते हैं, कंट्रीब्यूट द प्रूरल्स इन द लीडिंग ऑफ द रैपिड इंप्रूवमेंट्स होता है, फीचर्स इन्हेंसिंग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें जो कम्युनिटी डेवलपर्स में आते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब लिनक्स इज रिलीज अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, मतलब आपका ये क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है GPL करके, ठीक है, जो कि विच अलाउ यूजर टू फ्रीली, मैं वही आपको बोला है, लिनक्स जो है फ्रीली आपका मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन द कोड है एंड वॉज द फास्टेड एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द कोलेब्रेशन, मतलब ये फास्ट वर्किंग करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवरऑल टाइम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स एमर्स सोर्स डेबिशियन या फिर रेड हैट या फिर उबंटू इज द टेरर ऑफ द डिफरेंट नीड्स ऑफ द यूजर्स, मतलब ये आप सबको क्या होते हैं, बहुत सारे यूजर्स में, मतलब बहुत सारे से जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं। एंड अब यहाँ पे आते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें देखते हैं उबंटू, उबंटू क्या आपका, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर फ्रेंडली वाइडली यूज इन द आइडियल फॉर द डेस्कटॉप एंड द सर्वर, किसके लिए यूज होता है, डेस्कटॉप एंड सर्वर के लिए। इट इज़ हैज द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये जो डेवलप किया गया था ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के लिए डेवलप किया गया था। एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसके अलग अलग मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब ये सब बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ है या फिर हार्ड है इन द कंपेरिजन ऑफ द लिनक्स। CentOS मतलब CentOS का मतलब क्या है, अ कम्युनिटी डिराइव इज द रेड एट द इन द लिनक्स इन द नो स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन द ऑफर ऑफ द सर्वर्स, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के लिए यूज होता है, ऑफ्टन यूज इन द सर्वर्स, मतलब सर्वर्स में क्या होता है, यूज होता है किसके लिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के लिए। डेबियन, डेबियन का होता है यूनो स्टेबिलिटी इन द लार्ज, मतलब आपका स्टेबिलिटी लार्ज होता है, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। डेबियन इज द फाउंडेड मेनी ऑफ द अदर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग द उबंटू, मतलब ये उबंटू से रिलेटेड करके आपको क्या गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। मतलब फेडोरा, अ कटिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट द शोकेस इन द लेटेस्ट फीचर एंड टेक्निकल्स ऑफ द यूज और द डेवलप द इंश्योर, मतलब इसमें लेटेस्ट फीचर यूज हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं, ठीक है। एंड द आर्च लिनक्स और लाइट वेट, कैसा होता है, लाइट वेट फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द रोलिंग रिलीज मॉडिफाई इन द अपीयरिंग्स हु इज द कस्टमाइज दियर सिस्टम, मतलब देखो मैं आपको रियली बताता हूँ कि यहाँ पे देखो राज में ओपन सोर्स, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट द बोर्ड डेस्कटॉप एंड द सर्वर्स, मतलब कि ये हर चीज के लिए कि आपको सपोर्टेबल है, मतलब कि आप किसी भी इन्वायरमेंट्स में इसको रन कर सकते हो लिनक्स को। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि लिनक्स जो है ना वो आपका फ्री सोर्स है, मतलब आप उसे इजीली आसानी से यूज़ कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसे जैसे मन चाहे वैसे अपने चला सकते हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए फिर या कोई क्वेरीज रहेगा मैसेज कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।